क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जामिया का जो क्लास 9th एंट्रेंस है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह का है। मैथ के जो हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं और सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसका सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस का? एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है टोटली क्लास 8 का जो सिलेबस है, क्लास 8 में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उसी के बेसिस पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। मीडियम ऑफ पेपर, किन किन मीडियम में पेपर अवेलेबल होता है? तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, तीनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई बुक की भी ज़रूरत पड़ती है, पूछते हैं कि कोई रेफरेंस बुक बता दीजिए जिससे हम लोग तैयारी करें। तो रेफरेंस बुक के लिए आप जाइए, शफीकुर रहमान साहब की एक किताब है ना, जामिया क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर ही लिखा गया है, तो आप उस बुक का हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप पूछेंगे कि एमयू और जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आखिर 9th का जो डिफरेंसेस क्या हैं? तो 9th में जो डिफरेंसेस हैं मेन वो ये हैं कि जैसे मैथ साइंस उसमें भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सोशल साइंस नहीं होता है। इसके जगह पर वहाँ पर होता है हिंदी होता है और उर्दू होता है। इसमें हिंदी और उर्दू नहीं पूछे जाते हैं। एमयू का क्लास 9 जो है उसमें हिंदी उर्दू पूछे जाते हैं, तो इस बात का आप ख्याल कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।